हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज दिनांक 3/10/2020 कक्षा बीएड सेकेंड ईयर विषय है गणित शिक्षण। और इकाई दो का अध्ययन कर रहे हैं। प्रकरण है गणित शिक्षण में। गणित शिक्षण में चित्र का महत्व, चित्र का महत्व मतलब है कि अपन गणित शिक्षण पढ़ाते हैं तो चित्र का क्या महत्व है। देखा जाए तो कहीं मैंने पढ़ा है कि एक चित्र 100 शब्दों के बराबर होता है। यानी अगर आप कोई भी चित्र बना के लगा दो तो उसे 100 संदेश या 100 चीजें के बारे में जानकारी मिलती है। आपने चित्र में कई देखे होंगे, बड़े बड़े पोस्टर, पिक्चर के पोस्टर होते हैं, संदेश के पोस्टर होते हैं, मैसेज के पोस्टर होते हैं, चेतावनी के पोस्टर होते हैं, हर तरह के पोस्टर होते हैं। एक चित्र अपने आप में कोई ना कोई अभिव्यक्ति करता है, एक चित्र कोई ना कोई संदेश देता है। और चित्रों के माध्यम से एक बालक के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसी तरह से चाहे हम कोई भी विषय पढ़ाते हो उसमें अगर हम चित्र का प्रयोग करें तो चित्र से जो चीज बता रहे बताते हैं उस चित्र से उसका एक बच्चे का एक साथ कनेक्शन हो जाता है। आप जैसे बोल रहे हो वैसे वैसे वो चित्र को भी देखता रहेगा, वो चित्र को भी देखता है। यानी वास्तविक मानसिक जो पटल होता है, मानस पटल होता है, उस पर छवि तब बनेगी जब वो उसको देखेगा। जैसे आपने बोला कि भारत के उत्तर में गंगा नदी बहती है और आपने बताया कि यहाँ पे गंगा नदी है, भारत के विषय में बताया, तो उस साइड वहां देखेगा, हाँ वहां पर बहती होगी। पश्चिम में राजस्थान है, इधर वो है, इधर ही है, ऐसे करके हम अगर चित्रों के माध्यम से पढ़ाते हैं तो हो सकता है कि अपनी बातों को भूल जाए, लेकिन उस नक्शे को देखकर वो शायद याद कर सकता है, उस चित्र को देखकर उसको याद कर सकता है। तो ऐसे ही गणित शिक्षण में चित्रों का बड़ा महत्व, चित्रों का बड़ा महत्व। चित्रों के माध्यम से अगर हम गणित शिक्षण करवाते हैं तो बच्चे आसानी से समझते हैं उस चीज को, और उनके लिए वो चीज आसानी से आसान हो जाती है। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि जैसे आज इतने हम आज बड़े स्तर पे हैं और हमने आज 15 क्लास पास करी है, लेकिन फिर भी हम उसी किताब को उठाने की कोशिश करते हैं जिसमें चित्र हो, जिसमें कोई रंग बिरंगी चीजें होती है, अच्छा सा डायग्राम होता है। आज जैसे आप कॉम्पिटिशन की किताब लेने जाते हो, लक्ष्य की किताब लेने जाते हो, परीक्षा की किताब लेने जाते हो, तो शायद उस परीक्षा और लक्ष्य की किताब में ये देखते हो कि उसमें डिजाइन या डायग्राम और अच्छा क्या बताया है, तो उसके माध्यम से, क्योंकि उस चीज सरल होती है, समझने में आसान होता है, वैसे ही गणित शिक्षण में चित्रों के माध्यम से बहुत आसान होता है। चित्र, रेखा चित्र, चार्ट चित्र, परिचय बता देता हूं। चित्र, रेखा चित्र, चार्ट गणित की कक्षाओं में चित्रों की बड़ी आवश्यकता होती है। गणित की कक्षाओं में चित्रों की बहुत आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। छात्रों में गिनती का ज्ञान करने के लिए कराने के लिए
जोड़ने हेतु चित्रों का प्रयोग किया जाता है। जोड़ने हेतु चित्रों का प्रयोग किया जाता है, चित्रों का प्रयोग किया जाता है। चित्रों में छात्र आकर्षित होते हैं, चित्र विषय वस्तु को यथार्थ एक स्थान देती है, यथार्थता बताती है। ठीक है, शिक्षण कला में चित्रों का प्रयोग करने में निम्नलिखित लाभ होते हैं, लाभ कौन कौन से होते हैं ये देखो। जैसे पहला लाभ है कि चित्र विषय वस्तु को रोचक बनाते हैं, चित्र विषय वस्तु को रोचक बनाते हैं। अभी मैं बात बताई कि कोई भी एक शिक्षक के द्वारा अगर शिक्षण कराया जा रहा है या कोई भी पढ़ाया जा रहा है, अगर वो चित्रों के द्वारा पढ़ाया जाए और चित्रों के माध्यम से अगर शिक्षण कराया जाए तो शिक्षार्थी को सीखने वाले को बड़ा आनंद आता है और बड़ी रुचि लेके उसको पढ़ने की कोशिश करता है, ध्यान लगाने की कोशिश करता है, एकाग्रचित होने की कोशिश करता है। जैसे ही आपने कोई चीज बोला उस वक्त वो चित्र उस बालक ने उसमें नक्शे में देखता है, चित्र में देखता है कि वो चीज वास्तव में है या नहीं है, पर वो एक सेकंड में वो चीज को अपने माइंड में फिट कर देता है। यानी चित्रों के माध्यम से पढ़ाने पर एक शिक्षण रोचक हो जाता है, एक रुचिकर हो जाता है। चित्रों द्वारा अर्जित ज्ञान अधिक स्थायी होता है, इसकी बहुत अच्छी बात होती है कि चित्रों द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है, स्थायी यानी इच्छे स्थायी बोल सकते हैं होता है। यानी जो हम चित्रों के द्वारा अगर हम अध्ययन कराए, शिक्षण कराए तो वो लंबे समय तक याद रहता है। एक मौखिक रूप से हम जो बोलते हैं चीज को उसको हम शायद लंबे समय तक याद नहीं रख सकते, लेकिन चित्रों के द्वारा हम अगर कोई बताते हैं, डायग्राम बताते हैं या चित्र के द्वारा अगर कोई शिक्षण कराया जाता है तो वो चीजें एक शिक्षार्थी के जो मानस पटल पर जो चित्र बनता है और उसके माइंड में जो चीज बनती है वो लंबे समय तक उस चीज को याद रखता है। यानी ज्ञान को लंबे समय तक अगर करना है या उसको लंबे तक अर्जित करना है तो मैं समझता हूँ कि चित्रों के माध्यम से शिक्षण करवाना चाहिए। चित्र द्वारा छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास होता है, बहुत अच्छी बात है। चित्र द्वारा छात्र की कल्पना शक्ति का विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है। मतलब ये कि चित्रों के द्वारा एक बालक का, एक शिक्षार्थी का मतलब ज्ञान ऑटोमेटिक क्या होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, वितरक शक्ति का विकास होता है, उनकी इच्छा शक्ति का विकास होता है। जैसे ही हम कोई भी चित्र अगर लगाते हैं, क्लास में जाते हैं, शिक्षण करवाने के लिए आते हैं या कोई भी चीज अगर बच्चों के सामने पेश की जाती है तो ऑटोमेटिक उनके एक इच्छा शक्ति मतलब जानने की इच्छा शक्ति जागृत होती है। वो प्रश्न पूछते रहते हैं ये क्या है, ये क्या काम आता है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक जानने की इच्छा जागृत होती है, उनकी कल्पना शक्ति जागृत होती है, उनकी इच्छा शक्ति जागृत है, तर्क शक्ति जागृत होती है, उनका विकास होता है, कल्पना शक्ति का दूर तक सोचने का एक विकास होता है। चित्र वास्तविकता के अति निकट होते हैं, चित्र वास्तविकता के निकट होते हैं। अब ये कैसे, अब मैं यह बताऊं कि जैसे अगर हिमालय के बारे में बताना है तो मैं सभी बच्चों को या शिक्षार्थियों को हिमालय पर तो ले जा नहीं सकता वास्तविक, तो अब हिमालय के बारे में अगर मैं बोल के बताऊंगा तो शायद वो चीज भी एक कहते हैं ना, थ्रीडी का मतलब क्या होता है कि उस चीज में जाकर अनुभव करना, 3D का मतलब होता है उस चीज में बैठकर, उस परिसर में बैठकर ऐसा अनुभव करना है कि वो वातावरण अपने चारों तरफ ही है। हम जैसे कि जैसे हम
टीवी में देखते हैं वो 3D एक ग्लास लगाते हैं, तो ग्लास ऐसा लगता है जैसे हम उन गुंडों के बीच में बैठ के हम पिक्चर देख रहे हैं, हम वो दृश्य अपने आप आसपास से देख रहे हैं। तो ऐसा दृश्य, ऐसा अनुभव कराने के लिए हमें, जैसे अगर मैं हिमालय के बारे में बताऊँ तो हिमालय का एक बोर्ड ला के बताना पड़ेगा, हिमालय का चित्र ला के बताना पड़ेगा कि यहाँ पे ये बर्फ गिरती है, इसको शिवालय बोला जाता है, यहाँ पे गंगा नदी बहती है, ये कैलाश पर्वत है, ये मानसरोवर है, ये सब चीजें हम एक चित्र के माध्यम से अगर बताएंगे तो शायद वो उस चीज को वहां बैठ कर अनुभव करेंगे, उस चीज को वहां पर ले जाके अनुभव करेंगे। तो बताए कि चित्र होता है वो वास्तविकता के बहुत ही करीब होता है, बहुत निकट होता है। चित्र एक शिक्षण में बहुत मायने रखता है। वास्तविक वस्तु नमूना चित्र बाह्य सामग्री के रूप में प्रयुक्त होते हैं जिन पर कि अध्यापक सदैव ही निर्भर नहीं रहता। इन सामग्रियों के अभाव में अध्यापक को चाहिए कि वह पाठ्य वस्तु के अभाव को चौक द्वारा श्याम पट पर रेखा चित्र अर्थात खाका रूप में चित्रित करे। गणित में आयताकार वर्ताकार कृपा के क्षेत्रफल संबंधी प्रश्नों को श्याम पट पर रेखा चित्र करना, यानी गणित की अपन बात कर रहे हैं तो गणित में बिना कोई भी लाइन खींचे या रेखा खींचे कोई भी कार्य नहीं हो सकता। पूरी रेखा गणित आपको चित्र बना के ही बताने पड़ेगा। अगर आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो, अगर खेत का निकाल रहे हो या किसी फील्ड का निकाल रहे हो, किसी मकान का निकाल रहे हो, उसका डायग्राम तो आपको बोर्ड पे बनाना ही पड़ेगा, उसका चित्र बना के ही ले जाना पड़ेगा, तभी आप उसको समझा पाओगे। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए चार्ट भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। गणित में त्रिभुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार, ठोस ज्यामितीय आकृतियां, पहाड़ों के चार्ट आदि अनेक प्रकार के चार्ट बनाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त गणितों के चार्ट, कोणों के प्रकार आदि भी अवसर अनुकूल उपयोग शिक्षक करे तो प्रभावशाली शिक्षण हो सकता है। जितना ज्यादा अगर गणित शिक्षण में हम चित्रों का प्रयोग करेंगे उतना ही शिक्षण प्रभावशाली बनेगा, शिक्षण आसान होगा, शिक्षण एक रुचिकर बनेगा और बच्चों को आप ज्यादा से ज्यादा वो समझ में आएगा। अगले वीडियो में हम अगला विषय लेके बैठेंगे आएंगे। धन्यवाद।